जादुई नदी में गरीबों की होली। मथुरा जैसा गांव सबसे ज्यादा होली के लिए ही फेमस था, लेकिन हर बार की तरह वो सभी बहुत खुश होने की वजह बहुत दुखी थे, क्योंकि इस बार हर एक घर में होली बनाने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा तंगी थी, जिसके चलते गांव के सभी लोग एक दूसरे से कर्जा लेने की सोचते हैं, लेकिन किसी के पास खुद के लिए भी पैसे नहीं थे। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा इस बार हमारी होली कैसी होगी, क्योंकि हमारे गांव में किसी के पास भी पैसे नहीं है, और तुम तो जानते हो दूर दूर के लोग हमारे गांव में होली खेलने के लिए आते हैं। अब हम लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम सभी उन लोगों के साथ होली कैसे खेलेंगे। सही कहते हो, इस बार हमारे गाँव की बहुत बदनामी होने वाली है। ये मथुरा जो होली के नाम पर ही इतना फेमस है, अब इसका नाम डूब जाएगा और फिर कोई नहीं आएगा यहाँ होली खेलने। ना भाई साहब, ऐसा ना बोलो, हमारे गांव में होली का त्योहार तो बनना ही चाहिए। एक ही तो त्योहार है जो हम लोग अच्छे से मनाते हैं। पिछली होली के बाद से ही हम सभी की किस्मत ऐसी फूटी है कि ना तो कोई काम धंधा सही से चला है और ना ही कोई काम में बरकत आई है। लगता है किसी की नजर लग गई है। मैं तो कहती हूँ सभी औरतें मिलकर हमारे गाँव की नजर उतार लो। हाँ हाँ सही बात है, हमें एक बार गांव की नजर भी उतार लेनी चाहिए। सभी औरतें मिलकर नमक मिर्च लेकर आती हैं और उसे चूल्हे में नजर उतार कर डाल देती हैं, जिससे पूरे गांव में दशक उड़ जाती है और सभी खांस खांस कर पागल हो जाते हैं। अरे ई का कर किया तुम लोगों ने, चारों तरफ तीखी तीखी हवा उड़ रही है, तुहार नजरिया के चक्कर में हमारे फेफड़े फूल रहे हैं। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग खास खास के दुखी हो जाते हैं, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी गांव वालों के पास आता है और सभी से कहता है, अरे ऐसे कुछ समाधान नहीं निकलेगा, अरे ऐसे करोगे तो हम सभी को दिक्कत होगी, हमारे गांव को कोई नजर नहीं लगी है, ये सब तो तुम्हारे ही चोकों का नतीजा है, तुम लोग आगे के बारे में जरा भी नहीं सोचते। अब अगर तुम्हें इस होली के त्योहार को अच्छे से मनाना है तो तुम्हें नदी के पास जाना चाहिए, वही नदी जिसके अंदर कई सालों से काई जमी हुई है। नदी का नाम सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी वहां से ये सब कहने के बाद चला जाता है। उसके जाते ही सभी आपस में बात करते हैं, ये सच है क्या? वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई नदी है। अगर ऐसा है तो हमें जादुई नदी के पास जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बूढ़ा आदमी हमसे झूठ बोल रहा हो। भला कोई नदी जादुई नदी कैसे हो सकती है, और कोई नदी हमारी मदद क्यों करेगी? अगर ऐसी बात है तो हमें इस बात का पता लगाने के लिए जादुई नदी के पास ही जाना चाहिए। हकीकत भी तभी पता चलेगी। गांव के सभी लोग मिलकर नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां नदी के ऊपर बहुत ज्यादा काई जम रही होती है। इस नदी के अंदर से कितनी बदबू आ रही है, ऊपर से काई भी जम रही है, भला ये नदी कैसे जादुई नदी हो सकती है? सोना, हम इस नदी को साफ करें और इसके ऊपर की काई को हटा दें। वो तो तुम सभी ने सुना ही होगा, फल भी तब मिलता है जब इंसान मेहनत करता है। कौशल्या की बात सुनकर गांव के सभी लोग नदी को साफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वो सभी लोग मिलकर पूरी नदी को सफाचट कर देते हैं। अरे वाह क्या बात है, ये नदी तो बहुत चमक रही है। अनीता इतना कहती ही है कि तभी नदी के अंदर से एक देवी निकलकर बाहर आती है। इतने सालों बाद अपनी इस नदी को साफ सुथरा देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? देवी माँ, हर साल हमारी मथुरा गांव में बहुत अच्छे से होली का त्योहार मनाया जाता है। सभी लोग एक महीना पहले ही होली खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अफसोस इस बार हम लोगों ने होली शुरू नहीं की क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या आप हमारी मदद कर सकती हो? हाँ मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक परेशानी है। मैं अपना जादू केवल इस नदी के अंदर चला सकती हूँ, जहाँ मेरी खुद की दुनिया है। मैं इस नदी से बाहर जादू नहीं चला सकती। अगर तुम सभी गांव वाले चाहो तो मैं अपनी दुनिया में तुम्हें आने दे सकती हूँ, जहाँ जादू से सब कुछ प्रकट कर सकती हूँ और तुम सभी अच्छे से अपनी होली को मना सकते हो।
देवी माँ की बात सुनकर सभी लोग इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। लेकिन देवी माँ, हम सभी इस नदी के अंदर कैसे जाएंगे? अगर हम पानी के अंदर गए तो हम सभी मर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम में से किसी को कुछ नहीं होगा। एक के बाद एक अंदर प्रवेश लेते जाओ। देवी माँ की बात मानकर गांव के लोग एक के बाद एक नदी में प्रवेश लेते जाते हैं और सीधी नदी की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर सब कुछ नदी के बाहर वाली दुनिया जैसा होता है। अरे वाह, क्या बात है भैया, ये तो बहुत ही लल्लन टॉप लागे है। तनिक देखो तो सही, यहाँ वहाँ चारों तरफ होली के गुलाल ही गुलाल है। अरे चल, चलो 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 होली खेलते हैं। मनमोहन की बात सुनने के बाद सभी एक साथ होली खेलने लगते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। अरे भाई, बुरा ना मानो, होली है। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ठंडाई कहाँ पर है? अरे बिना ठंडाई के हम इस होली में झूमेंगे कैसे? धनिया के इतना कहते ही वहाँ पर ठंडाई प्रकट हो जाती है, जिसे देखते ही गांव के सभी लोग, औरतें और आदमी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये सब तो ठीक हुई, हमरे बाल बच्चे का भी तो ये जादुई नदी की स्पेशल होली खेलने के लिए मिलनी चाहिए ना। हाँ बहन, चलो चलते हैं अपने बच्चों को लेने। कौशल्या और अनीता दोनों ही मिलकर गांव के बच्चों को और अपने बच्चों को जादुई नदी में ले आती हैं। चलो बच्चों, खेलो होली, अब इस साल भी हम लोग अच्छे से होली खेलेंगे। वाह, यहाँ तो बहुत सारी पिचकारियाँ हैं, कितना सारा गुलाल भी है और साथ में ठंडाई भी है। अरे चलो चलो, हमारे तो नसीब ही खुल गए। चलो चलो जल्दी से होली खेलते हैं और एक दूसरे को रंगीन कर देते हैं। सभी बच्चे पार्टी लोग नदी की जादुई दुनिया में होली खेलना शुरू कर देते हैं। सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं और होली खेल खेल कर वहाँ सभी ठंडाई पीकर एक लंबी सी झपकी ले लेते हैं। और जैसे ही उनकी आँख खुलती है, वो सभी अपने आप को हकीकत की दुनिया में पाते हैं, जहाँ उनके घर और उनकी दुनिया होती है। ये समझ नहीं आ रहा कि हम नदी की दुनिया से बाहर कब आए। तुम होली खेल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे हम लोग वहाँ नहीं बल्कि दुनिया में होली खेल रहे थे, और वो सब एक सपने की तरह हो। अरे नहीं नहीं, वो कोई सपना नहीं, हकीकत है। जरा देखो तो सही, हम सभी सभी के गले मिल रहे हैं। मोहन की बात सुनकर सबको यकीन हो जाता है, जिसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही सभी को उनके घरों के अंदर सोने के सिक्कों से भरे हुए सोने के मटके मिलते हैं। उस दिन के बाद से वह सभी बहुत अमीर होते हैं और हर साल वो मथुरा गाँव में अच्छे से होली बनाते हैं। संतोष और नरेंद्र अपने बेटे गौरव की शादी उर्मिला नाम की एक सुशील कन्या से करा देते हैं, जो कि मासूम के साथ काम करने में सर्वगुण संपन्न थी। शादी की पहली रसोई की रस्म जब वो करती है, तो सास ससुर उसके हाथ का खाना खाकर तारीफ करते हुए शगुन देते हैं। हाँ बहू, ये ले, हम दोनों की तरफ से शगुन। गौरव बेटा, तूने बहू को कोई शगुन नहीं दिया? गौरव जी, आप तो खाइए। आपको क्या लगता है, मेरी जबरदस्ती शादी करा दोगे तो मैं सारे रीति रिवाज मानूंगा? बिल्कुल नहीं। और तुम तो मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ का कुछ भी नहीं खाना। बेटा कैसी बातें कर रहा है, बहू से तेरी शादी हो चुकी है, तुझे उसे अपनी पत्नी के स्वरूप में अपनाना ही होगा। मैं मेघा से प्यार करता हूँ और वही मेरी पत्नी बनेगी, और उसे शादी करके तो मैं इसी घर में लेकर आऊंगा, देखते रहना आप। गौरव, आप क्या कह रहे हैं, ये आप किसी और से प्यार करते हैं? मुझसे जबरदस्ती शादी हुई है आपकी? हाँ ये सच है, और तुम इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे तुम्हारे लिए इतना ही अच्छा होगा। ऐसा कहकर गौरव गुस्से में घर से चला जाता है, फिर कैफे में अपनी प्रेमिका मेघा से मिलने जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। मेघा, मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता, हम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मैं भी गौरव तुम्हारी बिना रह नहीं सकती, और तुम्हारी वाइफ का क्या होगा फिर? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे शादी करके घर ले जाऊंगा, भले ही उसे सौतन की तरह रहना पड़े। इस तरह कुछ दिन गौरव और मेघा एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं। वहीं गौरव घर के अंदर सबसे कटा कटा सा रहता है, और सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव वो उर्मिला के साथ करता है। यदि उर्मिला उसे चाय भी देती थी तो वो चाय का कप फेंक दिया करता था, लेकिन उर्मिला उसकी सारी नफरत झेलकर उसके घर का, माता पिता का, सबका ख्याल बखूबी रख रही थी। अगले दिन वो मेघा के साथ शादी करके घर लौटता है। दरवाजे पर दोनों को शादी के जोड़े में देखकर
उर्मिला की आंखों से आंसू टप टप बहने लगते हैं। देखा माँ जी, मेरी सौतन आ गई। अगर ऐसा ही था तो आपने शादी क्यों कराई? आपकी वजह से तीन तीन जिंदगी बर्बाद हो गई। बहू, मैंने सोचा था तुझसे शादी करने के बाद ही ये उस लड़की को अपनी पत्नी बनाने का ख्याल छोड़ देगा, पर ये मेघा को घर में बहू बना कर ले आया। अब हमारे पास मेघा को अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरा कोई स्वागत करेगा या मैं यूं ही दरवाजे पर खड़ी रहूं? आखिर मेरे पैरों में भी दर्द होता है। अरे माँ जी, जरा गृह प्रवेश तो कीजिए। माँ प्लीज कर दीजिए। ये कहकर मन मार के संतोष को घमंडी नई सौतन बहू का गृह प्रवेश कराना ही पड़ता है। चलो, गृह प्रवेश तो हो गया, अब मुझे हमारे रूम में भी लेकर चलो। हाँ हाँ चलो, इस तरफ है। उर्मिला जरा अपना सामान उस कमरे से निकाल लो, क्योंकि अब तुम्हारे वहाँ कोई जगह नहीं है, वो जगह मेरी मेघा की है। ओह कम ऑन, फास्ट प्लीज, अपना जल्दी से सामान निकालो, मुझे रिलैक्स करना है। जा रही हूँ मैं अपना सामान निकाल कर। वैसे भी जब गौरव आपके दिल में ही जगह नहीं है मेरी, तो आपके कमरे में भी क्यों रहूं मैं? ताना देकर उर्मिला उस कमरे से अपना सामान लेकर गेस्ट रूम में आ जाती है और वहाँ रहती है। ये सब देखकर बूढ़े सास ससुर का दिल परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त गौरव और सौतन की जो चल रही थी। अगले ही दिन वो इतराते हुए ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आती है और कहती है, डार्लिंग मुझे तो स्पेगेटी और ऑरेंज जूस चाहिए अभी, और तुम जो भी खाओगे वो इस महारानी को बता दो, हमारे लिए बना देगी। सुनो, तुम्हारा क्या नाम था? उर्मिला चीला? अरे उर्मिला नाम है उसका। उर्मिला तुमने सुन लिया ना, मेघा को क्या चाहिए तुम वो सब बना दो। और हाँ, आपसे तुम सारा खाना बनाओगी। वैसे भी ये सब काम करने की आदत नहीं है मुझे और ना ही आता है, तो घर का सारा काम तुम करोगी एस अ नौकरानी। क्यों हम तुम्हें खामा का बाहर निकालें और बाहर का खाना खाएं या किसी नौकरानी के हाथ का खाना खाएं? तुम हो ना? ए लड़की, ये तुम कैसे बात कर रही हो? गौरव, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं है? मेरी बहू को नौकरानी कहने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? मुझे नहीं लगता मेघा ने कुछ गलत कहा है, वो सही कह रही है। अगर हम इसे घर से निकाल देते तो, और वैसे भी घर में रहकर घर के काम कर लेगी तो क्या ही हो जाएगा इसका? कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस घर के सारे काम कर लूंगी, चाहे ऐसे ही करना पड़े, कम से कम आपके पास तो रहूंगी मैं माँ जी। ऐसा कहकर रोते हुए उर्मिला रसोई में चली जाती है और उन दोनों का मनपसंद खाना बनाकर सबको खिलाती है। उसके बाद दोनों सोफे पर बैठकर जब टीवी देख रहे थे तो मेघा गौरव को कहती है, सुनो गौरव, जरा मेरे पैर पर नेल पेंट लगा दो, क्योंकि मेरे हाथों पर नेल पेंट लगी हुई है, अगर मैंने लगाया तो मेरे हाथों की नेल पेंट खराब हो जाएगी। और सुनो, मेरे लिए एक रोमांटिक सा गाना भी गाओ ना। तभी गौरव उसके नेल पेंट लगाकर गाना गाने लगता है। अरे ओके ओके, अभी लगा देता हूँ डार्लिंग। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी, ला 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 ला, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। वाओ गौरव, तुम तो बहुत मस्त हो। ये नजारा उर्मिला और दोनों जने देख रहे होते हैं। अरे देखो तो, संतोष हमारा बेटा कैसे उसकी गुलामी कर रहा है। कभी उसने तुम्हारे पैर नहीं दबाए, लेकिन उसके वो नेल पेंट लगा रहा है। शर्म आती है कि मेरा बेटा है ये। उसकी अकल पर मेघा ने प्यार की पट्टी बांध रखी है, वो हमारे बेटे का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। माँ जी, अगर वो उनके साथ खुश है तो उन्हें खुश रहने दीजिए। वक्त गुजरता है, घमंडी मेघा एक एक करके घर के सभी लोगों को धमकी देकर उनसे घर का काम करवाती है। उर्मिला को उसने बहुत पहले ही नौकरानी बना दिया था, वहीं सास ससुर भी कभी उसके पैर दबाते थे तो कभी घर के शीशे पंखे साफ करते थे। देखा जाए तो वो सबके साथ अत्याचार कर रही थी और गौरव को भी उसने अपनी मुट्ठी में कर रखा था। गौरव भी प्यार में अंधा होकर उसकी हर बात मान रहा था। ऐसे ही एक बार सोफे पर मेघा उसकी गोद में सिर रखकर सिगरेट पी रही थी और गौरव नशे की धूप में था और तीनों जने काम कर रहे थे। तभी जानबूझकर मेघा जूस का गिलास फेंक देती है और कहती है, ओहो, ये जूस का गिलास तो मुझसे गिर गया। उर्मिला, जरा इसे साफ कर दो, वरना मेरे हाथों में चुभ जाएगा। अरे दोनों पीछे क्यों हो? माँ जी, पापा जी, आप भी कीजिए, चलिए चलो, आप दोनों अब नाच कर दिखाओ। मेघा,
तुम अपनी हद पार कर रही हो। भूल गई हो बड़ों से कैसे बात करते हैं? ओह जस्ट शट अप बुजे, डोंट यू डेयर। तुम्हारा बेटा मेरी मुट्ठी में है। उसे पाने का जुनून था मुझे, और आखिरकार मैंने उसे हासिल कर ही लिया। इसका मतलब तुम उनसे प्यार नहीं करती? सिर्फ तुम उनको पाना चाहती थी। जो तुमने किया वो बहुत गलत किया, और सौतन बनकर मेरा घर बर्बाद भी किया। जब वो होश में आएंगे ना, तो मैं उन्हें तुम्हारी पूरी सच्चाई जरूर बताऊंगी। अच्छा है, अच्छा है, कोशिश करके देख लो। वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। बता भी दोगी तो क्या होगा? एक बार जरा दोबारा कहना, क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? ऐसा कहकर उर्मिला फोन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। यही कि मैं गौरव से प्यार नहीं करती। उसे पाने का जुनून था जो मैंने पा लिया। अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। बस मैं तुम्हें उसे छीनना चाहती हूँ। अपनी तरफ उसका अटेंशन पाना चाहती थी मैं। बहू इसके मुंह मत लग, इसने तो हमारे घर को अय्याशी का अड्डा बना लिया है। देख तो कैसे धुएं उड़ा रही है। चल यहाँ से बहू। तभी उर्मिला कांच साफ करके अपने सास ससुर के साथ अंदर चली जाती है। वहीं अगले दिन उर्मिला और उसके माता पिता बंद कमरे में उससे कहते हैं, बेटा तुझे उस पर बहुत यकीन था ना, लेकिन वो लड़की तेरे लायक बिल्कुल नहीं है। चल जरा देख उसकी सच्चाई। तभी उर्मिला वो रिकॉर्डिंग गौरव को सुना देती है, जिसे सुनकर गौरव को गुस्सा आता है और वो सीधा मेघा के पास जाकर उसे तमाचा जड़ देता है। गौरव, हाउ डेयर यू स्लैप मी? भूल गए हो तुम अपनी औकात क्या? हाँ भूल गया था। पता नहीं क्यों मैंने अपने माँ बाप और अपनी पत्नी को नहीं सुनी। सच में सौतन हमेशा घर ही तोड़ती है, और आज मैंने देख भी लिया, तुम उससे प्यार नहीं करती। हा? अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। चुपचाप मेरी जिंदगी से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला लूंगा। यहाँ तक कि तुमने मेरे माता पिता को भी टॉर्चर किया है। ऐसा केस ठोकूंगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आओगी। तुम इस लड़की का विश्वास मत करो, ये झूठी है। तुम्हारी सच्चाई मैंने रिकॉर्डिंग में सुन ली है। अब जाओ वरना दूसरे गाल पर भी तमाचा मारूंगा। उर्मिला मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, पर तुमने मेरे माँ बाप का ख्याल रखा। कोई बात नहीं जी। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर उर्मिला उसका सामान और उस सौतन को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।